अरे सुनिए, ये क्या हो रहा है? और कोई काम नहीं है क्या तुम्हारे पास? क्यों दीदी, ऐसा क्यों बोल रही हो? ये काम नहीं है? फोन में लगी रहती हो, गाने गाती रहती हो, और कोई काम नहीं है? घर में इतना सारा काम है, कुछ और भी कर लो। दीदी मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं यहाँ काम करने तो आई नहीं। मेरे बाप ने इतना दहेज दिया है कि आपके घर में जगह भी नहीं थी। सोचो, गेस्ट रूम में सामान शिफ्ट करवाया था ज्यादातर, और मेरे बाप ने मुझे इतना पैसा दिया है कि मैं उस पर खूब ऐश मौज कर सकती हूँ। और हाँ, ऐसी बात है तो तुम उसे पहले बोल देती, एक नौकर लेके आ जाती अपने साथ, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। तो अब मंगा लो नौकर। ठीक है, अब मंगा लूंगी। पैसे को तुम खाओगी जब काम नहीं करोगी तो? दीदी प्लीज, मुझसे तो तुम काम की उम्मीद ही मत रखना, और काम तो मैं करने से रही, मैं तो बिल्कुल काम नहीं करूंगी। ठीक है ना? तुम्हारी मर्जी है, तुम जानो। ठीक है ना? क्या करना है, क्या खाना है, पड़े रहना है ऐसी। दीदी मैं काम करने वाली नहीं हूँ, फालतू में तुम मुझसे दिमाग खोरी करो। आप जाओ, मुझे इंस्टाग्राम पे वीडियोस अपलोड करनी है। जाओ करो जो करना है। अपने महबूब से बात करती हूँ, अपने प्यार से बात करती हूँ, बड़ी डीएम बनी फिरती है दीदी तो। ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले, नौकरा नहीं समझ रखा है। इतना दहेज में फालतू में ऐसे ही थोड़ी ले गई थी। हेलो हेलो, और जानू कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ बेबी, आप बताओ आप कैसे हो? आज कैसे याद आ गई तुम्हें एकदम? लो कर लो बात, मुझे तो हमेशा ही याद आती है तुम्हारी। ठीक है ना, फालतू की बकवास मत करो। मिस कर रहा था, मैं सोच रहा था पता नहीं कब कॉल क्यों नहीं आई। मुझे पता है तुम कहीं मिस नहीं कर रहे थे, वैसे ही फालतू में वो कर रहे थे तुम्हारा। यार कसम से यार मिस कर रहा था, सीरियसली। मुझे तुम्हें पता है कितनी याद आ रही है तुम्हारी। अच्छा तो ये बताओ कैसे कॉल की थी? कैसे कॉल की थी तुम्हें नहीं पता? तुम्हें मेरी याद नहीं आती? अरे याद तो आ गई, वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी कोई काम तो होगा ना। अब काम क्या था, बस ऐसे ही घर की प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम हो गई मुझे बताओ? बस ऐसे ही है घर की प्रॉब्लम, वो मेरी जेठानी है, बस वो मेरे पे रोब झाड़ती रहती है। तो कुछ ना कुछ उसके लिए तरकीब निकालो, मतलब ऐसा क्या निकालू? आइडिया बोलो। एक काम करो, कपड़े 5 कपड़े पैक करो बैग में, और फटाफट यहाँ आ जाओ। 5 कपड़े? हाँ। फिर यहाँ पे घर पे क्या कहोगी कि ये कौन है? अरे वो मैं कह दूंगी, तुम मेरे ऊपर छोड़ो, कह दूंगी मेरी मौसी का लड़का है। ठीक है ठीक है, कह दूंगी यहाँ मौसी का लड़का है मेरी पे, मतलब आया है यहाँ पे कुछ दिनों के लिए रहने के लिए। ठीक है ठीक है ना, औसक भी नहीं होगा और बहन भाई की तरह रहेंगे। ठीक है ना? ओके, आ जाओ जल्दी आ जाओ। बाय, लव यू, बाय। अरे सोनिया, वो मैं बहुत देर से देख रही हूँ, तुम बात किससे कर रही थी ये बताओ पहले। अब लो, तुम मेरे बात करने पे अभी ब्रेक लगाओगी? अब मेरी मर्जी, मेरा फोन, मेरी लाइफ में किसी से भी बात करूं, मेरी मर्जी दीदी। तुम इतनी देर से स्टाइल मार रही हो, चुपके चुपके बातें कर रही हो, ऐसे है कौन? आखिर क्या चल रहा है, क्या है? मैं तुम्हें जरूरी नहीं समझती बताना, ठीक है? तुम मेरी मुझसे बड़ी हो, तुम मेरी जेठानी हो, जेठानी बन के रहो, मेरी सास बनने की कोशिश मत करो, ठीक है? तो क्या तुम कुछ भी करोगी? कुछ भी क्या कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ आप ही बता दो, कुछ भी क्या कर रही हो? चुपके क्यों बात करती हो, किससे बात कर रहे थे आप? काम तो कुछ करती नहीं हो, सारे दिन फोन फोन। जब आप फोन से बात करती है दीदी, मैं तो आपको टोकती नहीं हूँ कि आप किससे बात कर नहीं करती तुम्हारी तरह। ओ तुम तो मुझसे भी ज्यादा देर देर तक बात करती रहती हो, चाहे मेरे घर से ही क्यों ना कॉल आ रहा हो, मैं अपने घर ही बात क्यों ना कर रही हूँ, लेकिन किससे बात कर रही थी? मैंने तुम्हारी हमेशा की आदत देखी है, ये क्या लगा रखा दीदी ये तुमने? तुम काम क्यों नहीं करती हो, इतना बिजी फोन में रहती हो, ऐसा क्या है फोन में ये तो बता दो मुझे। अब ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती, क्योंकि मैं जरूरी नहीं समझती तुम्हें बताना कि क्या है ऐसा इस फोन में। ठीक है, चलो ठीक है, देखती हूँ, देख लेना। रामलाल, राम नाम। अरे राम नाम भैया, कैसे है तू? बस बढ़िया हूँ मैं, और कहाँ जा रहा है? अरे भाई रामलाल, बड़े दिनन में मिला यार। हाँ यार, क्या करें, अब घर में पड़े रहते हैं, करते वक्त घेर पर पड़े रहते हैं। और कोई राजी खुशी सुना भाई? हाँ, और कैसे? बढ़िया है, तू बता। अरे बता कैसे, सब घर में कैसे है? हाँ, मेरे तो बहू वगैरह कैसी है तेरी? अरे काय को नाम ले दे तूने? बहू बहू नाम पे तो बवाल है। अरे ये कैसी हाँ, बात करेगा? माने हमारी तो हमारे सब्र काम की जिंदगी खराब कर देगी, वो ऐसी बहू मिली है। अरे? एक बहू तो मेरी ऐसी है बिल्कुल गौ से, बिल्कुल सीधी सादी पूजा पाठ वाली। अच्छा, और एक तो ऐसी है खड़े से गोली मार देगी। खड़े भी मक्कार है वो, खड़े तो गोली मार के। हाँ, कब घूमेगा? ए हर समय बाकी मोबाइल लवर है वो। अरे चुकुचुवा में लगी रहेगी बाकी आंख ना दुखत। अच्छा? और काम धंधे बात दूसरी बहू से करवाता सब बाकी जिंदगी खराब कर दे मोबाइल ने। हाँ भाई, वाह
भाई बाकी घत्ते का मोबाइल मिल गया। तेरी बहू बड़ी भावई है भैया। बहुत भावई है। अच्छा ऐसी बहू तो कौ दुश्मन है न दे वो छोटी है बड़ी है जी बताए वो मोबाइल जो चलाते का है। अरे वो बड़ी ही है। बड़ी है छोटी सॉरी छोटी है। अच्छा छोटी है वो। बड़ी तो मेरी बहुत बढ़िया है माने पूरा घर संभाल लो। अरे ना गंदगी न मिलती जी तो आएगी बस सोफा ले आइए बस सोफा को तोहफा बना के रखते सो लेटी रहते बाप जी काम है वाले लेट लेट बैठे ना का करते हम बाप टुल्लू टुल्लू करते रहे तो हां के भैया जब बहुगन से भैया बच के रहियो तू है का है मैं तो बहुत बढ़िया कबू कोई बात परे भाई मुझे याद कर लेना तू अपने यार को। अरे वैसे तो लाला मैं ही कमना पत्तू ही वाचे मगर जाइए अपनी इज्जत अपने हाथ में चौके देख हम दोनों हैं अलग अलग गामन के मुखिया हाँ। और हम तो सबन के घर में पंचायत जोर में जाते हैं और कौ दिन ऐसा ना हो कि गांव वाले हमारे घर में पंचायत जोर है हमारे ऐसे समझ रह जाए बस पगड़ी जो हमारे दोनों के बन रही है काऊ काम करा रही है सही कह रहा है ठीक है तो प्रयास रहो भाई रामलाल मैं फिर डोली हूं फिर बाजार घाट के हां डोली डोली मैं हूं तू खेत में जा रहा है हां हां देख ठीक है ठीक। अरे बहू बहू अरे कहां है आवाज को ऐसे पी जाएगी इतनी देर क्यों चिल्लाते हो। अरे चिल्लाऊं का तू सुनाई देगी जब भी तो पता है मेरा इतना फेवरेट नाटक निकल गया भरी आई फिर बेटा ले बेट भारी तू बता मैं कौन सा नाटक देख रही थी। आज देख रही होगी तू मैं किसी के प्यार में समझ में आ गई ना तो जी बात आता है दिनों रात तो मुझे ऐसे कर पानी ला दे गिलास। अरे ये मुझ पे तुम्हारे चोचले नहीं होते पानी वानी के। अरे लिया बेटा मैं भते प्यास लग रही मैं चल के आया। दिमाग खराब हो गया क्या कहां जाऊं मुझसे मत कहा करो तुम किनसे कहूं फिर बता मुझे क्या पता किससे कहोगे। अरे तू छोटी है घर में तो बेसी तो कही जाएगी कि बड़ी है बुलाऊं आप वो जिंदगी भर का यही करती रहेगी। अच्छा मैं करती रहूंगी जिंदगी भर। अरे तू भी ना करियो अब तो मैं पानी पिला दे। अरे अपने आप पी लो जाके ना और डिस्टर्ब मत किया करो मुझे। कैसे चिल्ला रही हो क्या हुआ पिताजी। देख ले बेटा मैंने एक गिलास पानी का मांग लो भाई मैं दंदनाथ भैया ये घुर्राथ भैया ये जैसे का मुख खा जाएगी। चलो कोई बात नहीं है मैं लाती हूँ पानी। हाँ तू तो खेल लाएगी तेरी आँख में तो शर्म में जाके शर्म ना बिल्कुल यानी का लक्षण सिखाए जाके माँ बाप ने। आ गई तुम्हारी चाहिए थी बहू समझ में आ गई ना। और ये आँख मुझे मत दिखाओ वरना तुम जानते नहीं हो मैं हूँ कैसी। हाँ माने मैं तेरी ला बेटा तू जीती रहे बनी रहे। तुम जाओ परेशान मत करो उनको जाओ तुम आराम करो लगी रहो तुम। हाँ जाको तो बस बेटा खून की बीमारी है जाको जाना का है वो ना बोलो परेशान मत हो पापा जी आप जाओ। हाँ अरे इतनी सुना मारते नहीं देर में कहा पल्ले। अब चलता हूँ सोनिया के घर अब हमारे प्यार की दास्तान वहीं जाके लिखेंगे। और तो आगे नमस्ते। नमस्ते वो सोनिया दीदी हैं क्या। सोनिया आप कौन। मैं उनका मौसी जी का बेटा हूँ। मेरे को तो कोई ऐसी बात उसने नहीं बताई मौसी का लड़का कोई आने वाला है। नहीं नहीं वो ऐसा था अचानक मुझे आना पड़ा थोड़ा पढ़ाई की वजह से आना पड़ा एडमिशन कराना था अपना कॉलेज में। तो पढ़ाई आप तो कहीं भी कर सकते हो अचानक से। नहीं जैसे अभी एडमिशन हो जाए उसके बाद में फिर कहीं भी सेटल हो जाऊंगा ना तो मैंने सोचा कि सोनिया दीदी के घर ही। कौन सी पढ़ाई कर रहे हो आप। मेरा फाइनल ईयर है BSc का। चलो आप जरा बुला दीजिए उन्हें। ठीक है आप यहीं रुको मैं बुला के लाती हूं। ठीक ये जमीन रुक जाए आसमान। अरे सोनिया वो कोई तुम्हारा मौसी का लड़का आया बोल रहा था कि कौन है। मौसी का लड़का आया। अरे वो मेरी मौसी का लड़का है दीदी तुम उसे अंदर क्यों नहीं लेके आई। तो मैं इसको जानती नहीं था। अरे ठीक है तो मैं चली जाऊंगी ना। अरे हाय विवेक मेरा प्यारा विवेक। अरे 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 सोनिया और क्या है हो तुम एकदम बढ़िया। कि सोनिया तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है क्या कर रही हो। दीदी मेरा भाई आया है और तुम ये शर्म लिहाज की बातें कर रही हो हैं। आप अपने भाई से ऐसे कभी गले नहीं लगी। सोनिया भाई तो मेरे भी आते हैं पर तुम कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टिव हो रही हो। ये चक्कर क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा कि कौन सा भाई है कहाँ से आया है। ये मेरी मौसी का लड़का है ना बेबे। चल तू थक गया आया होगा ना सफर में से चल आ जा। भगवान कुछ नहीं हो सकता इसका। विवेक ये तेरा कमरा है ये आपका कमरा है और ये मैं हूँ ठीक है ना। और अब हम दोनों साथ रहेंगे। बिल्कुल सच्ची में। चल एक बात बता इस जिठानी का क्या होगा यार। अरे यार जिठानी का कुछ नहीं होगा तो? इसे तुम्हें कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी खेत पे कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं टेंशन मत लो। और हम दोनों इस घर में आ जा सच्ची आ जाओ।
चार चाय पिला दो। पागल है क्यों? पागल हो क्या? चाय नहीं, दूध पियो लो। दूध? दूध से सेहत बनती है, ताकत आती है और कलर गोरा होता है दूध से। समझ में आ गई ना? ठीक। कैसा लगा दूध? बेस्ट एकदम। बादाम और पड़े हुए थे इसमें, तभी मैं कहूँ इतना टेस्टी क्यों है? शायद मुझे लगता है कि तुम्हारे हाथों का जादू है यार ये। हाथों का नहीं, मेरे प्यार का जादू है। इसीलिए इतना टेस्टी था तुम। अच्छा विवेक एक बात बताओ, इतने दिनों तक तुमने क्या किया वहाँ पे? यार तुम्हें मिस किया बहुत ज्यादा। झूठ बोल रहे हो? कसम से यार। मेरी कसम झूठी मत कहियो, मैं मर जाऊंगी। अरे नहीं यार, तुम्हें मैं मारने की कोशिश क्यों करूंगा? तुम्हारी वजह से तो मैं जी रहा हूँ, तुम्हें मार के मैं करके रहूंगा। ये तो है। वैसे आप इस पैसे वैसे की चिंता मत करना, मेरे पास बहुत पैसा है, खर्चा मैं फुल करूंगी तुम्हारे साथ। ठीक है। अब पति तो यहाँ रहता ही नहीं है। कहाँ रहता है तेरा पति? अरे वो फौजी है, वो फौज में रह फौजी है, वो अपनी ड्यूटी पे है। महीनों में साल साल भर रहा, छह महीने में साल भर भी हो जाती है। तो टेंशन क्यों लेती है? हर महीने के 15 दिन तेरे पास। चाची कटेंगे, चल दूर से बात कर झूठा। मुझे ले रहा है विवेक, मुझे सच्ची में मुझे ना बड़ा। अरे ये क्या हो रहा है सोनिया, ये क्या एक्टिविटी कर रहे हो तुम? मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं। ऐसा है दीदी, मेरे ऊपर ज्यादा मुख्यमंत्री बनने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गई ना? हाँ, और तुम होती कौन हो मुझे ये सब बताने वाली? मुझे तुम्हारा ये भाई बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। क्या ठीक नहीं लग रहा? कितना गोरा है, कितना हैंडसम है और ब्लैक कलर तो इस पे बहुत ही जचता है ना। यार इस तरीके से तुम्हारा बैठना, इस तरीके से बातें करना, एक चक्कर क्या है? अब लोग बहन भाई है, बैठ के बात नहीं करेंगे तो क्या, और क्या खड़े खड़े बात करेंगे? ऐसे कौन बात करता है चिपक के? हम करते हैं। हम करते हैं, कोई नहीं करता। तो और वैसे भी तुम्हें प्रॉब्लम क्या है दीदी इससे? सोनिया हमारे घर के कुछ मैनर्स है, हमारे इस तरीके से कोई बैठता नहीं है ना कोई बात करता है। सोनिया मैं जाऊँ फिर? मुझे अब तुम्हारे घर में ये सब सुनने को मिलेगा? नहीं नहीं, इसीलिए आया था मैं पढ़ने 15 दिन के लिए। अरे तो टेंशन मत ले, देखा ना परेशान कर दिया ना मेरे भाई को, तुम यही चाहती थी ना? एक काम कर, चल मैं भी चलती हूँ तेरे साथ इस घर को छोड़ के। और जब तुम्हारी पूरे गांव में नाक कटेगी ना तो मुझे गिड़गिड़ाते हुए मत आना तुम और ससुर जी। चल मैं भी चलती हूँ, चल कहीं मत जाओ, लेकिन इस तरीके से मत रो, थोड़ा बहुत काम भी कर लिया करो। मैं काम नहीं करूंगी। अरे अब काम किया, घर पे भी कभी काम नहीं किया? हाँ। मासी जी क्या क्या थक जाती थी लेकिन ये काम नहीं करती थी। देखो काम मैं इतनी स्टैंडर्ड लाइफ से रहती थी अपने घर में, विवेक बताना तू। अरे दो दो नौकरानी थी इसके लिए अलग। हाँ। से चलो ठीक है, तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना, मैं ही चली जाती हूँ। हाँ। रहो तुम आराम से, जो तुम्हें करना है करो। ठीक है, आप उनसे बात करो, कर लेना आप जाओ। विवेक अब ये कलेश कट गई, मुझे तो लगता है अपनी पियर बग गई थी। अरे जाने दे यार, है कि नहीं? और अब ये महीने दो महीने में आएगी, अब हम खुली आजादी से रहेंगे। बिल्कुल, अब हमारी वस्ती स्टार्ट। एकदम आ जा, उधर इधर नहीं। बिल्कुल। अरे 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 बहू, ये थैला वैला लेके कहाँ जा रही हो? अरे पिताजी वो मैं अपने मायके जा रही हूँ। क्यों बेटी? मुझे नहीं रहना। अचानक जा रही हो ऐसे, और नहीं रहने का क्या मतलब है? मुझे उसका सोनिया का भी बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं परेशान हो गई हूँ। कुछ दिन मैं शांति से रहना चाहती हूँ, दुखी हो चुकी हूँ मैं इस घर में। बताओ बेटे क्या बात हो गई, इतना नाराजगिरी मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, जितना कि तुम आज थोड़े गुस्सा हो रही हो, मुझे बताओ। रहने दो उसको अकेला, जब करेगी ना, जब उसको पता चलेगा। तो बेटी मैं तो देखो थोड़ी देर के लिए आता हूँ, आप ही की वजह से घर नहीं आता मैं अपना पड़ा रहता हूँ, मगर घर की बात तो सिर्फ तुमको मालूम होगी ना, तो तुम मुझे बताओ क्या बात है। फोन में लगी रहती है, एक वो उसकी मौसी का लड़का आ गया उसे चिपकी रहती है, मेरी समझ में नहीं आ रहा उसका क्या चक्कर है, क्या मैटर है। तो मौसी के लड़के से मतलब क्या, तुम मुझे साफ साफ बताओ बेटी। मुझे नहीं पता, आप उसी से पूछ लेना, मैं जा रही हूँ मायके। तुझे तो पता है बेटी ऐसा है बहू, चल घर में देखू, चल का बात है। ठीक है चलो। चलो आप ज्यादा कह रहे हो, आ जा चल। सोनिया क्यों चिल्ला रहे हो, क्या है? क्या 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 चाह रही है तू? मुझे, मैं क्या चाह रही, मैं तो कुछ नहीं चाह रही। घर से क्यों निकाला? ओ लो। हाँ। मैंने निकाला घर से? जा रही है तो रोकना नहीं चाहिए, तेरी जिठानी है। अरे मैंने थोड़ी निकाला, जो मैं रोक दी, कोई अपनी मर्जी से जा रहा है तो मैं उसे क्यों रोकूं? तेरा फर्ज नहीं है रोकने का, किस बात से जा रही है? ऐसे कामों में मैं अपने फर्ज नहीं निभाती। हाँ। जो कौन है? ये मेरी मौसी का लड़का है। अरे होगा मौसी का लड़का, मगर जाकर घर से निकाल चल ले, ओए बैग फेंक लेके। ये नहीं आएगा,
सोनी जाएगा और ये जाएगा तो मैं भी जाऊंगा तेरे साथ। अच्छा जाके पीछे तू भी जाएगी घर अपने रामनाथ। अरे रामनाम भैया देख रामनाम हमारी तो बड़ी मट्टी खराब कर रखे जा औरत ने तो ये तेरी बात। हाँ हाँ जाई की बात करतू मैं जब भी करतू तो उसे देख रहा क्या तरह का सड़क भूसा से मुंह बना लेते जी देख के हमें सुन। और ये कौन इसका जीजा का भैया कही है जीजा का भाई है। देख भाई रामनाम मैं तो साफ सीधी बात जानू भैया सुन ले मेरी बात। हाँ। सेव समान और लड़का भैया अपने घर में ना रखना चाहिए तो। ए बुड्ढे चुप कर बहुत ज्यादा ये नीचे कर लो बता रही हूँ मैं। हाँ। मुझसे कह सके मेरी यार से ना कह सके ऊंचे चले लेकर पहले घर से लंबा कर मैं तो इस सब करूंगा मेरी बहू है ही नहीं जा रही है तो जा निकाल ना अंदर ना विवेक मेरे कपड़े पैक कर लिए इसमें ले जा सब अपना कोटे तेरा रावण का मुंडा बेबी देख ले अरे ये बैग भाई के बेबी बोल देते हैं बेबी बोल देते हैं तुम जैसे अनपढ़ गवार जाहिल बुड्ढे के नाम हो जानू नहीं ना खाते हैं जाहिल बता रही है ओ माय गॉड कोई बात नहीं चल हम सामान लेके चलो जा। मैं जा तो रही हूँ समझ में आ गया ना लेकिन तुम्हारी जिंदगी तहस नहस करवा दूंगी। अरे जा 360 मर गए जवान तो पूरा है वो मैं निकलो काम तो सही है निकम्मी है ये मुझे तो ऐसी औरत सोने क्यों ना चाहिए बुड्ढे ये तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ डंडा लो बेबी इसमें से डंडा लो और पेलो इसमें दल करके बेबी। हाँ